चलो तो हम लोग शुरू करने वाले हैं भारतीय संविधान, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी देश में संविधान की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है। ठीक है, हम सभी लोग ये जानते हैं कि संविधान अपने आप में क्या है, एक विधि है। ठीक है, यह विधि की संहिता है, नियमों कानूनों और विधियों की एक ऐसी संहिता है जिससे किसी भी देश की राजनीतिक और तमाम तरीके की व्यवस्थाएँ संचालित की जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर संविधान क्या है या संविधान क्या होता है। ठीक है, तो आप देखिए इस साइड, संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि विधियों की एक ऐसी संहिता जिसके माध्यम से हम किसी देश का राजनीतिक ढांचा सुनिश्चित करते हैं कि जिसके माध्यम से किसी देश की व्यवस्थाएं संचालित की जाए, ये लिखित और अलिखित दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, उसका मैं उदाहरण सहित आपको बताऊंगा। ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है कि ये लिखित होगा या आपका अलिखित होगा। जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ब्रिटेन ने संविधान के नाम पर कुछ नहीं लिखा है। बस फर्क ये है, बाकी देशों और ब्रिटेन के संविधान में ये फर्क है, और ये मौलिक फर्क ये है कि वे उनके द्वारा बनाए गए या उनकी संसद द्वारा बनाए गए नियमों या उपनियमों को वे संविधान का नाम नहीं देते। बाकी आप अगर अमेरिका की बात करेंगे या भारत की बात करेंगे तो उनका जो संविधान है वो अपने आप में क्या है, एक लिखित दस्तावेज है। फिर ये क्या करता है, जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि सरकार के तीन अंग होते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम जो सरकार, जिस नाम से हम लोग सरकार शब्द को जानते हैं, वो होती है कार्यपालिका। तो किसी भी देश में जब संसद कानून बना देगी और उसे लागू करने का उत्तरदायित्व किसका होगा, कार्यपालिका का होगा। ठीक है, न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए विधियों का, उसकी संवैधानिकता का परीक्षण करेगी, और इस संवैधानिकता के आधार पर जब कार्यपालिका को उत्तरदायित्व मिलेगा नीतियों को बनाने का, या संसद द्वारा बनाई गई जो विधियां होंगी उस पर